हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ मिनी व्लॉग एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करी है होम रेमेडी एंड ये मैंने फेस वॉश ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे एक पेस्ट लगा रही हूँ और इसको मैं 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद इसको वॉश कर लूंगी एंड देन यहाँ पे मैंने होम मेड टोनर भी बनाया है तो उसको अप्लाई कर लूंगी और दैट्स इट। तो सुबह की हमारी शुरुआत ऐसी ही होती है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बेड टी ले ली थी बट वो मैंने शूट नहीं करी, तो यहाँ से मैंने सोचा कि यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। वीकेंड पे यही सब करने का काफ़ी टाइम मिलता है तो मैंने जी करा था। और फिर यहाँ पे जैसे मैं मुंह के आई हूँ तो यहाँ पे देखा मैंने, ये देखिए कैसे हमारी गुड़िया रानी ने शिवांश का चश्मा छीन लिया। ये बिल्कुल बंदरिया की तरह इसका चश्मा छीन लेती है। एंड उसके बाद मैं नहा ली थी और सिंपल सा मैंने एक लुक शूट किया तो यहाँ पे आपके साथ वो शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे तो मैं इसकी सारी डिटेल्स नहीं शेयर कर रही हूँ बट इसकी जल्दी ही वीडियो आएगी, आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। देन यहाँ पे खीर बनाई है मैंने और आज खीर में थोड़ी मंदिर में बच्चों को बांटने के लिए लेके जा रही हूँ, तो घर पे इसका पहले भोग लगा दिया है और फिर वहाँ पे उसको बांट देंगे। तो यहाँ पे मैं पंचामृत की तैयारी कर रही हूँ। पंचामृत एंड जल ले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम ये चढ़ाते हैं। आजकल सावन चल रहा है तो वो चढ़ा के आ गए हम लोग। और आने के बाद शिवांश का यहाँ पे थोड़ा सा मुँह उतरा हुआ था क्योंकि उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। अभी रिसेंटली उसको चोट लग गई है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो मेरे को कह रहा था ये बेल्ट चुभ रही है, नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा लो सा फील कर रहा था। फिर यहाँ पे प्रीशा भी आ गई, उसने सोचा पता नहीं मम्मा क्या शूट कर रही है तो मैं भी आ जाती हूँ जल्दी से, तो वो भी आ गई। फिर उसके बाद हमने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया। प्रीशा यहाँ पे अपने चने इन्जॉय कर रही है, आज काले चने बने थे, सैटरडे है। फिर उसके बाद हम सब ने तीनों ने बैठ के खाए और शिवांश को मैं खिला रही थी तो शिवांश ने काले चने तो खा लिए बट खीर नहीं खाई, उसका मन नहीं हो रहा था। बट शिवांश की फेवरेट है खीर, पता नहीं आज उसने कैसे मना कर दिया। मैंने उसको कहा चल ठीक है वीडियो के लिए खा ले कम से कम, तो उसने फिर भी नहीं खाया। देन उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी हमें मंचिंग हो गई तो हमने सोचा कि आज भुट्टे भून लेते हैं। और यहाँ पे शिवांश भी, आप देख सकते हो मैं भुट्टा भून रही थी और शिवांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील कराने के लिए मैंने भुट्टा भूना। और प्रीशा सो गई थी और हम तीनों ने खूब एंजॉय किया, अच्छे से उस पर नींबू लगा लगा के खाया। और बताइएगा कि आप में से किन किन को ये अच्छे से नींबू लगा के और मिर्ची और नमक लगा के अच्छा लगता है भुट्टा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह के अगर आप मिनी व्लॉग्स और भी देखना चाहते हैं तो मुझे भर भर के लाइक दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और लेके आऊँ। तो कल वीडियो जाने वाली है तो थोड़ी सी एडिटिंग बची है उसको भी पूरी कर देती हूँ। ये हमारा लंच है, लंच में आज भिंडी और लौकी की सब्जी, ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं होती बट फिर भी लौकी की सब्जी बनी थी। साथ में फ्लेक्सी रागी और आटे के पराठे बने थे ट्रायंगल शेप में। फिर यहाँ पे बनी थी टूटी फ्रूटी। यहाँ पे मैं आपको अपना रात का डिनर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक खजूर और दूध बॉईल करके रख लिया हल्का सा, तो इसको मैं रात में लूंगी 7-7:30 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा नाइट ड्रिंक रेडी है एंड ये आज नाइट ड्रिंक जो बनी है कड़े पत्ता वाली बनी है, तो वो पियेंगे। दैट्स इट, बाय।